पालना यहाँ क्या कर रहा है? अरे अभी से इतनी शरारती हो गई हो? तुम्हें यहाँ नहीं अपने कमरे में होना चाहिए। चलो यहाँ से आ जाओ। अरे ये, अरे तुम फिर से यहाँ आ गई हो? कुछ कहना है दादी को? चलो यहाँ से, चलो। अरे ये कहाँ लेके जा रही मुझे? ये पालक खुद खुद चल रहा है। माता श्रेया के कमरे के बाहर क्यों लेके आई है? मम्मी, मम्मी आप यहाँ इस वक्त बच्चे के साथ? तू यहाँ अपनी बच्ची को याद कर रही थी और इसने तेरे दिल की बात सुन ली, चली आई अपनी मम्मी से मिलने। मेरी बच्ची, मम्मी ने कितना मिस किया तुझे पता है? बहुत 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 ज्यादा। सब सो रहे, तू इसके साथ थोड़ा समय बिता सकती है। मैं ऐसे हर रात इसे तेरे पास लेके आया करूंगी। सच में मम्मी? लगता है इसे भूख लगी है। हक है तेरा, तू माँ है इसकी। मम्मी कितनी प्यारी लगती है ना सोते हुए। बिल्कुल मेरे श्रेया जैसी। लगता है माया जाग गई है और बच्ची को ढूंढते हुए यहां तक आ गई है। मम्मी ये सब क्या है? आप बच्ची को यहाँ पर लेकर आ गई? अगर माया उठ गई और बच्ची को आसपास नहीं देखा? थोड़ी देर के लिए रहने दे रचरिया के पास, वो माँ है इसकी। मतलब आपने कितनी बड़ी रिस्क ली आपको पता है? और ऐसे चोरी छुपे बच्चे को लेकर आ गई यहाँ पर? अगर माया ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई तो क्या जवाब देंगे उसे?
मम्मी श्रेया प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए कि मैं कोई बहुत बड़ा कड़ा कदम उठाऊं। माया को मैं किसी भी कीमत पर सच का पता नहीं चलने दे सकता। प्लीज सही कह रही थी मम्मी, इतना आसान नहीं है अपने बच्चे के बिना रहना। पक्का तुम्हें अच्छे से याद है? हाँ, जितना मुझे याद है माया को हुई तो थी बच्ची, पर उसका दिल कमजोर था इसलिए बच्ची बच नहीं पाई। फिर पता नहीं क्यों श्रेया की बच्ची माया की गोद में थी और मैंने उसे ये बोल दिया कि वो बच्ची उसकी नहीं है, तो क्या भड़की थी वो मुझ पर? दिमाग चला गया तुम्हारा? बताओ क्या हुआ माया? ये बोली है, ये मेरी बच्ची नहीं है। पता नहीं क्या, पर कुछ तो खिचड़ी पक रही थी उस परिवार में। ठीक है, ये इस बार क्या? और हाँ, ये अपना मुंह बंद रखने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे ये क्या करें आप, कौन है आप, ये बच्ची रो रही है। मैंने मालिश वाली रखी है बच्ची के लिए। हाँ भाभी ठीक है, लेकिन आराम से करें ना, बच्ची रो रही है। आप चिंता ना करो, सैकड़ों बच्चों की मालिश कर चुकी हूँ और सारे बच्चे ना मेरी मालिश से ताकतवर हुए हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। पर अब मुझे मालूम है कि 6 महीने की बच्चे की मालिश कैसे की जाती है। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ 2 हफ्ते की है। 2 हफ्ते में इतनी ताकत, ये बैठने भी लग गई, मैंने तो पहली बार देखा है। बड़ी सेहतमंद है आपकी बच्ची, बस नजर ना लगे। ये आपकी उंगली तो पकड़ी होगी इसने? नहीं तो नहीं पकड़ी। बेबी गर्ल, हाथ पकड़ो मम्मा का हाथ पकड़ो। बात नहीं, मैं ना इतने अच्छे से मालिश करूंगी, फिर देखना कैसे पकड़ती है उंगली। हाँ ये सही रहेगा। अरे अरे क्या कर रही हो, बच्ची है पहलवान नहीं, जरा आराम से मालिश करो। अम्मा जी हमारी पूरी जिंदगी ना यही काम करके गुजरी है, हम जोर से नहीं बहुत हल्के हाथ से मालिश कर रहे हैं। लेकिन बच्ची रो रही है। बच्चे तो होते ही है जी, जितना रोएगी उतनी ताकत आएगी, है ना? रोना नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने 3-3 बच्चे पाले हैं, मुझे पता है क्या सही क्या गलत। जरा हल्के हाथ से मालिश करो। रुके, मम्मी जैसे कह रही है वैसे कीजिए प्लीज। माया जी ये लीजिए अपनी बच्ची। एक मिनट, ये सब क्या है दीदी? घर बुला के बेइज्जती ही करवानी थी तो पहले बता देती, मैं नहीं आती। बड़े आए खुद ही करो मालिश, मुझसे करवाओगे मालिश? अरे सुन, अरे सुनो तो। लो कर दिया ना कांड, अच्छी खासी दाई को भगा दिया, अब अच्छी दाई मिलती कहाँ है? अब मैं दूसरी दाई कहाँ से लाऊंगी? एक तो बच्ची के साथ पहले ही इतने सारे काम होते, कौन करेगा वो सब? अभी इतने लोग है घर में, क्या जरूरत है? अभी मैं कर लूंगी ना मालिश। ये सही रहेगा,
आज से श्रेया बच्ची की मालिश करेगी। नहीं नहीं, अरे माँ के होते हुए एक ऐसी औरत क्यों करेगी बच्ची की मालिश? ऐसी औरत मतलब कैसी औरत ताई जी? नहीं बोलिए ना ताई जी, कैसी औरत श्रेया, कैसी औरत? अब वो ताई जी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, जब भी श्रेया बच्ची के पास जाती है उसे अपने गोद में उठाने की कोशिश करती है, आप उसे दूर कर देती हैं। क्या प्रॉब्लम है आपका श्रेया से? मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है श्रेया से? अब देखो अभी अभी उसके साथ कितना बड़ा अपशगुन हुआ है, बच्चा खोया है बेचारी ने। ऐसे हालात में उसका साया इस पर पड़े ठीक नहीं है। ताई जी कैसी सोच है हा? अरे कौन सी सदी से हैं आप? सी सदी की जिसमें ये बच्ची पैदा हुई है। भई तू बड़े मॉडर्न ख्यालात वाले हो ना, इसलिए मेरी बात नहीं समझोगे। भई मैं तो इसकी भलाई चाह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। अब इसकी अपशगुन का साया इस पे नहीं पड़ना चाहिए। आजा आजा बड़ी दादी के पास आ जाओ। शायद आपकी बेफिजूल की बात बच्ची को भी अच्छी नहीं लगी। देखो देखो संस्कार, देखो तेरे छोरे के। वैभव, दीदी के बातों का बुरा नहीं मानते, वो पुराने ख्यालातों की हैं। श्रेया ले बेटे, इसकी मालिश कर दे। नहीं मम्मी, श्रेया बच्चे के पास नहीं जाएगी। तू भी दीदी की बातों में आ गई। सही तो कह रही है कि श्रेया को बच्चे के पास आना ही नहीं चाहिए अभी। अभी आप भी ऐसा ही सोचती हैं? तो क्या सोचूं मैं वैभव, मैं बच्ची के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। अगर मेरी बच्ची को कुछ नुकसान पहुंच गया तो? नुकसान? भाभी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बच्चा खोया है इसने फिर भी आपकी खुशी में खुश है। अरे ये तो ऐसी है कि पलकों में सजा के सर में बिठा के रखेगी उसे। आप ये क्या कह रही हैं भाभी? अभी वैभव सही कह रहा है माया, हम ऐसे दकियानुसी बातों में विश्वास नहीं करते। बच्ची मेरी है, इससे जुड़े फैसले भी मैं ही लूंगी। कोई कुछ भी बोले श्रेया, बच्ची ने तुम्हारी उंगली पकड़ के ये तो साबित कर ही दिया है कि बच्ची को तुम पसंद हो। नहीं भैया, अब मुझसे नहीं होगा, मैं वैभव से सच नहीं छुपा सकती। देखो देखो श्रेया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, पर मेरी बात सुनो श्रेया, अगर तुम वैभव को जाके सब सच बता दोगी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। माया को पता चल गया तो तुम्हें तो पता है क्या होगा उसके साथ, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। या आप समझिए, वैभव पिता है उस बच्ची का, उसकी बच्ची से जुड़ी इतनी बड़ी बात मैं उससे नहीं छुपा सकती, वैभव को सच जानने का हक है। देखो श्रेया, तुम जल्दबाजी मत करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी मैं वैभव को देखती हूँ मुझे गिल्टी फील होता है,
कितना परेशान है वो मुझे लेके। नहीं, मुझे उसे सच बताना ही होगा, मैं जा रही हूँ उसे बताने। वैभव, रोहित, रोहित, बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या हुआ? वो सांस नहीं ले पा रही है। दूसरी लड़की है लेकिन नाखून तो शेरनी जैसे है उसके। इसे भी अभी बजना था। हेलो, बोलो। अरे आप क्या तोड़ा उस बच्ची ने, कमर या टांग? टांग तो मैं तेरी तोड़ दूंगी। तू ना शटअप भी हो जा। नोच खाया उस माया की बच्ची ने मुझे। तूरा मेरा थोबड़ा खराब करके रख दिया। पता नहीं इस घर की बेटियों को ना मुझसे ही क्या प्रॉब्लम है। पहले वो श्रेया की बच्ची कुछ ना कुछ करके परेशान कर रही थी, और बच्ची कुची का सर ये माया की बेटी पूरी कर रही है। अरे पर है कहाँ वो माया की बच्ची? अरे बीमार पड़ गई है। सब मिलजुल के जुलूस निकाल के डॉक्टर के पास ले गए उसे। क्या क्या, क्या डॉक्टर के पास? हाँ। कविता दीदी, मैं बाद में फोन करूँगा आपको। चलिए मैं रखता हूँ फोन। और हाँ, संभालिए अपनी तबीयत, ठीक है? और बच्चों से थोड़ा दूर रहिए अभी आप, ठीक है ना? क्या मुझे कौन सा प्यार उमड़ रहा है उसमें। हम जैसा चाहते थे वैसा हो गया। बच्ची को डॉक्टर के पास लेके गए हैं। यही मौका है कंफर्म करने का। क्या यही वो चमत्कारी बच्ची है? और अगर है तो हम आज उसे वहीं से उठा लेंगे। डॉक्टर, मेरी बच्ची को अचानक क्या हो गया? ये अचानक इतनी बीमार कैसे हो गई? मैं तो इतना ध्यान रखती हूँ इसका। माया, माया, शांत शांत, डॉक्टर रिपोर्ट देख रहे हैं ना, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। आपकी बेबी को सीवियर एनीमिया है, खून की कमी है उसे। नहीं नहीं, तो क्या कर सकते हैं? इसका इलाज क्या है? तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। शुभ मंगल हो सुबह से शाम तक हो शुभ लाभ, धन वैभव खूब बरसे हर पल में हो शुभ लाभ। शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ।